हमारे देश में लोग अक्सर कहते हैं एक से भले दो। आज हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं, एक से भले दो। और आप याद रखिएगा इस बात को, अभी आप अपना मूल मंत्र बना लीजिए अगले कुछ हफ्तों तक या महीनों तक, एक से भले दो। और ये दो क्या होने चाहिए? ये हैं मास्क। अगर आप एक की जगह दो मास्क लगाएंगे, यानी डबल मास्क लगाएंगे, तो आप खुद को कोरोना वायरस से संक्रमित होने से अब भी बचा सकते हैं। और वो कैसे, इसे आप सरल भाषा में अब समझिए ध्यान से। कई नई स्टडीज में ये बात सामने आई है कि इस बार कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ज्यादा देर तक हवा में रह सकता है। इसे एयरबॉर्न ट्रांसमिशन कहते हैं, यानी हवा के माध्यम से फैलने वाला संक्रमण। इसे आप ऐसे समझिए कि वायरस का जो नया स्ट्रेन है वो माइक्रो यानी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में है, जो सतह पर गिरने की जगह हवा में काफी देर तक बना रहता है। ऐसे में अगर आपने सही से अपने चेहरे को कवर नहीं किया है तो ये कोरोना वायरस हवा में मौजूद होता है और ये हवा के जरिए, आपकी सांसों के जरिए आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसलिए आपको अब इससे डबल मास्क लगाकर ही बचना होगा। इससे बचने के लिए आपको डबल मास्क यानी एक के ऊपर एक दो मास्क पहनने हैं। CDC के एक नए अध्ययन में बताया गया है कि अगर लोग दो मास्क पहने तो इससे कोरोना के मामलों में 96.4% की कमी आ सकती है। यानी दो मास्क लगाने से आप बहुत आसानी से संक्रमित नहीं होंगे। और सबसे अहम बात यह कि अगर आप भीड़ वाले इलाके में हैं तो भी डबल मास्क आपको कोरोना वायरस से बचाने में बहुत ही मददगार होगा। तो एक बात जान लीजिए, जब भी घर से बाहर निकलिए, खास तौर पर ऐसी जगह पर जहां बहुत भीड़ भाड़ है, तो अब एक मास्क से काम नहीं चलेगा, अब आपको दो मास्क पहनने पड़ेंगे। और यही आपकी सजा है, क्योंकि पिछले एक वर्ष में अगर आप ध्यान से रहे होते, अगर आपने उस एक मास्क को भी 24 घंटे पहना होता तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन अब सजा आपकी डबल हो चुकी है, अब एक नहीं दो मास्क पहनने पड़ेंगे। वो ऐसे कि जब आप दो मास्क पहनते हैं तो इससे आपके नाक और मुंह पर 6 या उससे ज्यादा लेयर्स का एक कवच बन जाता है, क्योंकि अभी जितने भी मास्क बाजार में आ रहे हैं वो 3 लेयर वाले मास्क हैं। डॉक्टरों का मानना है कि वायरस मास्क की 6 लेयर्स तक को भेद कर आपके मुंह और नाक तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए एक नहीं अब आपको दो मास्क लगाने चाहिए। फिलहाल भारत में जो मास्क सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें पहला है सर्जिकल मास्क, दूसरा है कपड़े का बना हुआ मास्क और तीसरा है N95 मास्क। नई स्टडीज में पता चला है कि अगर आप N95 मास्क पहनते हैं तो दो मास्क लगाने की आपको जरूरत नहीं है, आप N95 से काम चला सकते हैं, क्योंकि इसमें वायरस के माइक्रो ड्रॉपलेट्स के जाने का खतरा कम होता है। लेकिन अगर आप सर्जिकल मास्क या कपड़े वाला मास्क पहन रहे हैं तो आपको दो मास्क ही लगाने चाहिए। इसके अलावा मास्क की फिटिंग बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि मास्क आपके मुंह और नाक दोनों को बहुत अच्छी तरह से कवर करे, ढक कर रखे। अभी आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते होंगे जिनका मास्क खिसक कर नाक से नीचे चला जाता है। वो एक दो बार तो इसे ऊपर करते हैं लेकिन फिर थक कर मास्क को वहीं छोड़ देते हैं और इससे उनके संक्रमित होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इसलिए मास्क की फिटिंग बहुत जरूरी है। इसे आप इस तरह से समझिए कि अगर आप मीडियम साइज की शर्ट पहनते हैं और आप बाजार में जब जाएं और दुकानदार आपको डबल एक्सेल की शर्ट दे दे, यानी आपके साइज से कहीं ज्यादा बड़ी शर्ट दे दे, तो क्या आप उसे पहनेंगे? शायद आप नहीं पहनेंगे, क्योंकि वो साइज आपका है ही नहीं। यानी जैसे कपड़ों की फिटिंग जरूरी है, ठीक वैसे ही आपके मास्क की फिटिंग भी उतनी ही जरूरी है।